तो दोस्तों आज पढ़ेंगे एमकॉमिक्स, जिसका नाम है पिंकी और हातिमताई। पिंकी हातिम बुक है, इस पर भी लिखा हातिमताई। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शुरू करते हैं पिंकी और हातिमताई। पिंकी, कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी, शायद कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने को मिल जाए। अच्छी पुस्तक मिल जाए तो समय ठीक कट जाता है। उस कमरे में सारी पुरानी और दीमक की खाई हुई किताबें रखी हैं, जिन्हें लाइब्रेरी ने अनुपयोगी घोषित कर रखा है। नए एडिशन इधर है, मुझे पुरानी किताबों में ही दिलचस्पी है। लगता है वर्षों से इन किताबों को किसी ने छुआ तक नहीं। देखूं इसका टाइटल क्या है? वो जमीन, वो किताब पर इतनी धूल जमी है कि टाइटल तक छिप गया है। इसे साफ किया जाए, आज इसे ही पढ़ा जाए। हातिमताई के किस्से। गनीमत है कि इस कमरे में कोई नहीं आता, शायद मेरे सिवा पुरानी किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। सचमुच हातिमताई की दास्तान मनोरंजक है, जी चाहता सारा दिन पढ़ते रहो। इसमें चित्र भी हैं। वाह, आज कई सालों बाद किताब खुली है, ताज़ा हवा में सांस लेने को मिली। रे, तुम तो बोलते भी हो। हाँ, क्योंकि यह जादुई किताब है। 100 साल के बाद आज यह खुली, क्यों ना मैं बाहर घूम फिर रहा हूँ। मैं चला। अरे, शहर में सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। अपने सारे जेवर दे दो, नहीं मैं शोर मचाऊंगी। बचाओ बचाओ बचाओ, कड़ा टीवी तोड़ दिया। ओए तू, मेरा कलर टीवी तोड़ छड़िया। मैंने तो एक औरत को डाकू द्वारा लूटे जाने से बचाया, वह भला मदद के लिए चिल्ला रही थी। ओए कबूतर और नाटकसी। अच्छा, मैं तुम्हारा हर्जाना पूरा कर देता हूँ। 50 असर रुपया ले लो, खाली सोना, पुराने जमाने के सोने के सिक्के। यह बांगड़ू जिस तरह हैरानी से सारी चीज़ों को देख रहा है, उससे लगता है कि यह इस शहर में नया आया है। इसके पास काफ़ी माल लगता है। भाई देख कर चलो टक्कर। मैंने सिक्कों से भरी उसकी थैली मार ली। हाय, वह आदमी उस वाहन के नीचे दब गया है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ओह, धड़ाम, फेंक दी, टूट गई। तुमने कार को तोड़ दिया, मगर तुम उसके नीचे दबे पड़े थे और हाय हाय कर रहे थे। मैं कार के नीचे लेटकर उसके डिफरेंशियल का नट कस रहा था, और वह हाय हाय कार की ट्विन वन पर चल रॉक म्यूजिक चल रहा है। तुमने कार का जो नुकसान किया, उसका मुआवजा भरना पड़ेगा। ओह, मेरी 100 रुपये की थैली गायब है। देखो, विश्वास करो, मैं आतिमताई हूँ। मैंने भलाई करनी चाहिए थी। नौटंकी के कपड़े पहनकर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। थाने पहुंचकर घोष ठिकाने आ जाएंगे। अरे, वह कहाँ गायब हो गया? बड़ी मुसीबत में फंस गया था, जल्दी से किताब बंद कर दो। छेदीलाल की समस्या। पिंकी, स्कूल की छुट्टी कब की हो चुकी है? क्या तुम घर नहीं चल रही? मैं चिंकू का इंतजार कर रही हूँ, उसे कुछ देना है। चिंकू क्लास में बैठा अपना बैग संभाल रहा है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। चिंकी, खुश खुशखबरी, पिंकी तुम्हारे इंतजार में बाहर खड़ी है, कहती है कि तुम्हें कुछ देना है। कुछ देना है क्या? वह तो उसने नहीं बताया, मगर वह टोफियाँ खा रही थी। टोफियाँ वह जरूर इसीलिए मेरा इंतजार कर रही है। पिंकी, मैं आ गया, तुम्हें मुझे क्या देना है? यह धड़ाक तारे दिखे। ओह, यह किस लिए? जो तुमने क्लास में मेरे बाल खींचे थे, यह उस लिए। छिदलाल जी, यह किसे पकड़ लाए? यह घोष बाबू है, हमारे नए किराएदार। स्टेशन से इन्हें ला रहा हूँ, यह इस शहर में अजनबी है। तुम तो जानते हो मेरा मकान काफ़ी अरसे से खाली पड़ा है। जितने किराएदार आए, 2-4 दिनों में भाग गए। शहर का कोई आदमी वहाँ नहीं आना चाहता, इसलिए मैं इस नए बाबू को स्टेशन से घेर कर लाया हूँ। शायद कुछ दिन टिक जाए। मैं इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। आइए घोष बाबू, मकान इधर है। ऐसा मकान आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगा, पास ही बाजार है जहाँ हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। खुले कमरे, हवादार खिड़कियाँ, बिजली पानी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पगड़ी, कोई पगड़ी नहीं, किराया सिर्फ 500 रुपये। मुझे मकान पसंद है। मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ, सफ़र में थक गया हूँ, अब मैं आराम करूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। पिंकी आ गई। खुर्र खुर, अंकल जी, मैं पिंकी हूँ, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। आप नए किराएदार हैं ना? आपको आते देखा था। आपका नाम क्या है? तपम चंद्र घोष। मैं सोऊंगा, तुम जाओ फिर कभी आना। अच्छा नाम है, आप कहाँ से आए? पिताजी का क्या नाम है? सिलीगुड़ी से आया हूँ। पिता का नाम बकीम चंद्र घोष।
वह डाकघर में हेड क्लर्क हैं। दादा का नाम अतुल चंद्र घोष, वह गांव में खेती बाड़ी करते हैं। परदादा का नाम अमल चंद्र घोष, जब वह जिंदा थे तब एक जमींदार के मुंशी थे। सन 1932 में वह मर गए। मेरे लकड़ दादा और उसके पिता कौन थे नहीं जानता। अब तुम जा सकती हो। मैंने सिर्फ आपके पिता का नाम पूछा था, खानदानी इतिहास नहीं। घर आए मेहमान को कोई निकालता थोड़ी है। आइए कुछ देर बैठकर बातें करें। वो तुम मेरे बैग पर बैठ गई, खड़ी हो जाओ। तुम्हारे बहुत से टूथपेस्ट की ट्यूब पे चक्कर मेरे कपड़ों पर फैल गई। अब मैं क्या पहनूंगा, बैग में रखे सारे कपड़े खराब हो गए। अरे आप तो आंसू बहाने लग गए। मेरे दादाजी का कहना है कि बहादुर इंसान रोते नहीं है। रोनी तो और क्या करूँ, इस घर में पैर रुकते रखते ही नुकसान हो गया। अब आपका नुकसान नहीं होगा, अब तो मुस्कुरा दो। मैं आपका दूसरा बैग उठाकर अंदर कमरे में रखाती हूँ ताकि कोई आकर इस पर बैठ ना जाए। नहीं, इस बैग को नीचे रख दो। आप तो यूं ही तकल्लुफ कर रहे हैं तो मेरा फर्ज है। बैग छोड़ दो। ड्राम गिर गया। तुमने मेरा फिर नुकसान कर दिया। इसमें कीमती इत्र की शीशियाँ थी, तुमने सब तोड़ डाली। वह क्या बिनी बिनी खुशबू आ रही है। जिस पड़ोस में ऐसी मुसीबत रहती है मैं नहीं रहूंगा। आज यह मकान छोड़कर जा रहा हूँ। यह किराएदार भी गया, इसी कारण भागते थे सब। नदीकांत, पिंकी अकेली बैठी क्या सोच रही हो? मोनू, मैं सोच रही हूँ कि यह नदी कहाँ जाकर खत्म होती है। अरे जिस गांव नहीं जाना उसकी राह क्या पूछना। अपने को क्या वास्ता, वह कहीं भी जाकर खत्म हो। नहीं, मुझे वास्ता है। जरा सोचो, अगर हम इसका रहस्य जान ले तो सारे बच्चों को बताएंगे कि इस नदीकांत कहाँ है। क्या यह रोमांचक नहीं? जिसकी खोज करनी है उसका पता वहां जाकर लगाया जाता है जिस तख्ते पर बैठकर हम नदी में उतर जाते हैं और इस नदी के साथ साथ तैरते हुए चले जाते हैं। ऐसी जगह जरूर आएगी जहाँ नदी खत्म हो जाएगी, बस हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तुम्हारा ख्याल अच्छा है। ओ, यहाँ पानी का बहाव तेज है, संभल कर। हम काफी दूर आ गए परंतु नदी का अंत कहीं नजर नहीं आ रहा। इस चरवाहे से पूछती हूँ, क्या तुम जानते हो कि इस नदी का अंत कहाँ है? मैं बचपन से इसे बहते हुए देख रहा हूँ लेकिन यह कहाँ जाकर खत्म होती है मुझे नहीं पता। एक बार मैंने अपने दादा से पूछा था कि यह नदी कहाँ जाकर खत्म होती है, तब उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले गांव का एक बहादुर जवान नदी का अंत जाने के लिए नाव में बैठ कर गया था। क्या उसने आकर बताया कि यह नदी कहाँ खत्म होती है? नहीं, क्योंकि वह लौट कर आया ही नहीं। ओह, आगे टनल है, सुरंग। पिंकी, क्या अंधेरे में तुम्हें डर लग रहा है? ऐसे अभियान में जोखिम तो होता ही है। टनल काफी लंबी थी लेकिन हम बाहर आ गए। इस खुले वातावरण में अच्छा लग रहा है। मुझे तो इस रोमांच भरी यात्रा में बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे भी अब अच्छा लग रहा है। स्कूल जाकर जब हम अपने दोस्तों को इस यात्रा का वर्णन करेंगे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। ओह, गिर गए नीचे। पानी के बौछार हमें ऐसे उछाल लिए जैसे मैच शुरू होने से पहले क्रिकेटर सिक्के को टॉस करता है। यहाँ पानी समतल और शांत है। दुर्गम रास्ता खत्म हुआ पर रफ्तार धीमी होगी, पता नहीं कब मंजिल पर पहुंचेंगे। ओह, एक पत्ता जिसे हवा का झोंका उड़ा कर ले आया। काश अगर हम भी पत्ते होते तो तेज हवा में उड़ाकर वहां पहुंचा देती जहां नदी का अंत है। मार्ग में हमें तकलीफें भी न झेलनी पड़ती। लो एक और झंझट, इस बड़े पत्थर ने हमारे तख्ते को रोक लिया। यहाँ जमीन पर आ जाओ, मैंने एक महात्मा को देखा, शायद वह हमारी मदद करे। महात्मा जी, रुकिए, हमें इस नदी के अंत का पता कर लगाना है। अगर हम दोनों पेड़ के पत्ते होते तो उड़कर वहाँ जल्दी पहुँच जाते जहाँ नदी खत्म होती है। पानी का छीटा पड़ दे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बौछार, पिंगी तुम पत्ते में परिणत होगी और मनु तुम भी। अब समस्या है कि अगर हवा का झोंका न आया तो हम यहीं पड़े रह जाएंगे और कोई बकरी आकर हमें खा जाएगी। हवा का झोंका और खूब तेजी। पिंकी, मनु, अब हम मिनटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हवा थम गई है, हम नीचे उतर रहे हैं। हम कहाँ गए यह तो मैं नहीं जानती पर यह जगह है बहुत ठंडी। पिंकी, वह देखो नदी का छोर, लेकिन यह नदी का उद्गम है। हमें नदी के अंत पर पहुंचना था। हवा उल्टी बह रही थी और वह हमें यहाँ ले आई। सारी मेहनत विफल हो गई। हरिओम बच्चा, लगता किसी विपदा में पड़ गए हो। मुनि महाराज, हमारे शहर के पास एक नदी बहती है। हमारे मन में उसका अंत जाने की जिज्ञासा थी लेकिन हम पहुंच गए नदी के उद्गम पर।
इतना कष्ट क्यों किया? नदी का अंत तो तुम्हारे शहर का एक व्यक्ति बता सकता था। मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में परिणत करता हूँ, तथास्तु। सही हो गया महाराज, आप हमें जल्दी से उस व्यक्ति के पास पहुंचा दो जो हमें नदी का अंत बता दे। जाओ, हम तेजी से अपने शहर की ओर जा रहे हैं। वहाँ हमें वह जहाँ हमें वह आदमी मिलेगा जो यह बताएगा कि नदी का अंत कहाँ है। अरे, यह तो अपने मास्टर राम लुबाई जी के घर के आगे आ गिरे। शायद यह वही है जो हमारी जिज्ञासा दूर करें। राम लुबाया, BA BEd। मास्टर जी, क्या आपको पता है कि हमारे शहर से गुजरने वाली नदी का अंत कहाँ है? बड़ा मामूली सवाल है। यह नदी जाकर समुद्र में गिरती है और वहीं इसका अंत है। पिंकी, उठो, दिन चढ़ आया। क्या सारा दिन सोता ही सोती ही रहोगी? सपना देख रही थी। डिस्को रामायण, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परवश न जाए। नानी माँ, यह कौन सी फिल्म का गाना है? पिंकी, यह रामायण की चौपाई है। रामायण तुलसीदास का लिखा पवित्र ग्रंथ है। नानी, तुम हर रोज रामायण को पढ़ती हो, अली बाबा और 40 और क्यों नहीं पढ़ती? रामायण को पढ़ने से मन को शांति मिलती है, लेकिन मुझको तो अली बाबा या हातिमताल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी हातिमताई, सिंधुबाद द सेलर और बेताल की कहानियाँ पढ़ने में लुत्फ आता था। नानी, अब क्यों नहीं वे कहानियाँ पढ़ती? मुझे अब रामायण और भगवद गीता पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा नानी, चलती हूँ, घर जाकर स्कूल का होमवर्क करना है। चलते राम लखी अवध अनाथा, विकल लाग लागे सब साथा। अंकल, कंघी करते हुए आप क्या गुनगुना रहे हैं? कृपा सिंधु बहुबुद्धि समझावधि। मैं तुलसीदास की रामायण पढ़ रहा हूँ। सुबह पूजन पाठ शुभ होता है ना? यह कैसी रामायण है? मेरी नानी माँ के पास 2 किलो भारी इतनी मोटी रामायण है। मैं ट्रैवलिंग एजेंट हूँ, मुझे रेलों में शहर शहर सफर करना पड़ता है। इतनी भारी रामायण कहाँ उठाता फिरूँगा? छोटी सी बुक है, इसलिए मैंने गुटखा रामायण खरीद ली है। जेब से निकाली और पढ़ ली। अच्छा टाटा, मेरी गाड़ी छूटने वाली है। के हनुमान पितु प्रतिशाही, सुमने भजन न हुई। गोकुल जी, आप नहाते हुए क्या बड़बड़ा रहे हैं? रामायण रामायण, वह क्या वह पानी में गीली नहीं हो जाएगी? वह रामायण नहीं, हांगकांग से मैं सज्जन की को खरीद कर लाया हूँ। जब मैं चाहूँ वह मुझे रामायण सुनाता, मना नहीं करता। मेरे इस इम्पोर्टेड 2 इन 1 में रामायण का टेप बज रहा है। कितिक बात प्रभु यति दान की, रिपु जितानी जानकी। तब तब कथा आप मनीषण गाई, परम सुनी विचित्र सुहाई। अरे भाई, यह क्या रॉक एंड रोल कर रहे हो? यह रामायण पाठ है। रामायण, डिस्को रामायण अमेरिका और यूरोप में बड़ी पॉपुलर है, हम वहीं से सीख कर आए हैं। तो दोस्त, मैं कई जगह अटक जाता हूँ पढ़ने में। ये बीमारी है, मुँह में हो गई थी, जिस कारण मैं कई बार अटक जाता हूँ। तो आप वहाँ पर पढ़ लेना और साथ में इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। आप मेरे वीडियो को देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दिया करो ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो दे सकूँ और मुझे भी मज़ा आए। ओके, पढ़ते हैं। देखी रामती रुचरी तलावा, मंजन किन्नी परम सुपावा। बाबा, आप यह क्या गा रहे थे रामायण? क्या आप कोई 2 इन 1 पर टेप बजा रहे थे? बेटी, क्यों गरीब ब्राह्मण का मजाक उड़ाती हो? जिसके पास 10 पन्ने की खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वह 2 इन 1 कहाँ से लाएगा? मैं उसे खरीद नहीं सकता था, इसलिए मैंने पूरी रामायण को खंड सत्य कर दिया है, यानी कि याद कर दिया है। जब मन होता दोहे चौपाइया गुनगुना लेता हूँ। पिंकी, अब घर लौटी हो, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया। दीदी, मैं एक समस्या में फंस गई थी। मैंने देखा कि लोग कितने भिन्न भिन्न तरीक़ों से रामायण पाठ करते हैं, इसी उधेड़बुन में होमवर्क छूट गया। तुम्हें टीचर ने होमवर्क क्या दिया है? किसी भी घटना पर लेख लिखो। तो तुम इसी घटना पर लेख लिख दो कि लोग कितनी तरह से रामायण पढ़ते हैं। ये एक पेज शायद खराब हो गया इसका। तब तो आपको मेरी कविता जरूर सुननी चाहिए। कम से कम एक आदमी तो ऐसा हो जो मेरी कविता के बारे में अपनी राय दे सके। शायद ये अपनी कविता सुनाने आई थी दादाजी को। कोरी वाह भाई, से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तुम्हें यह कविता मिनिस्टर डफोर संघ को सुनानी चाहिए।
अगर उसे कविता पसंद आ गई तो वह तुम्हें साहित्य अकादमी के पुरस्कार या पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित कर सकता है। दादाजी, आपको आपने उचित राय दी। मैं मिनिस्टर के पास जाती हूँ। रिक्क्यों बेचारी को भेज दिया, सुन लेते उसकी कविता। इतना सब्र किसके पास है? पिंगी कहाँ जा रही हो? मिनिस्टर डोपोर संघ के पास। जन्मदिन? दादाजी क्या है, एक बार जब आप बाहर गए थे तो आपका पुराना मित्र रघु जन्मदिन का यह कार्ड दे गया था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भूल गई थी। अच्छा, रघु का जन्मदिन कौन सी तारीख को है? 15 को। 15 तारीख तो आज है। समय क्या लिखा है? शाम के 5 बजे है। 5 तो बजने वाले हैं, मुझे जल्दी रघु के यहाँ पहुँचना चाहिए। रघु, मुबारकबाद। किस बात की? क्या आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है? जी नहीं, वह पिछले महीने था। खाने के लिए माल। देखो, तुम इतने छोटे कैसे हो गए? मैं तो पहले ही जितना मैं उतना ही हूँ जितना पहले था। पिंगे, तुम जरूर छोटी नजर आ रही हो। मैं भी उतनी ही हूँ जितनी पहले थी। देखो, मुझे तुम्हारी आवाज़ भी क्षीण सुनाई दे रही है। हम एक दूसरे को दूर से देख रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को छोटे दिखाई दे रहे हैं। मैं भूखा हूँ, इसलिए कुछ खाने को दो, फिर दम आएगा। ऊपर आओ, बहुत सारी चीज़ें खाने को दूंगी। बाप रे, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना अपने बस का नहीं, नीचे नहीं फेंक सकती? यह लो खाने के लिए नारियल। तलाक, तुमने तो रासा दम भी निकाल दिया। तारे दिख गए। टोपी के फायदे? झपट जी पिंकी, तुम जाओ, मैं अपना कोई नुकसान कराना नहीं चाहता। मैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछने आई हूँ। पूछो, आप टोपी क्यों पहनते हैं? यह भी कोई सवाल है? मैं समझता था तुम पूछोगे ज्वालामुखी क्यों फटता है, या तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा। आपकी टोपी भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। टोपी पहनने के कुछ फायदे हैं। टोपी सिर को धूप में तपने से बचाती है। जब कभी जरूरत हुई टोपी को उल्टा कर उसमें मूंगफलियाँ और रेवड़ियाँ डाल लेता हूँ। टोपी का एक और फायदा है जो आपको नहीं पता, वह क्या? जरा अपनी टोपी इधर दो, आइए। टोपी में दिया रखकर नदी में बहाया जा सकता है। ये टोपी गुब्बारा। झपट जी, यह क्या है? पिंकी, यह मैंने उड़ने वाला गुब्बारा बनाया है। लेकिन दिन में यह दीपक क्यों जला रखा है? यह दीपक इस गुब्बारे के लिए है। दीपक की आग से गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म होगी, जिससे वह उड़ने लगेगा। पुराने जमाने में लोग गुब्बारे ऐसे उड़ाया करते थे। मैंने दीपक रख दिया है, लेकिन तुम्हारा गुब्बारा तो जमीन पर ही है। अभी उड़ेगा, हवा गर्म होने में थोड़ी देर लगेगी। गुब्बारा उड़ रहा है। देखा, मैंने कहता था इसे पकड़े रखो। निशाने के लिए क्यों ना हम इस गुब्बारे में कोई चीज़ रख दें? कौन सी चीज़? अंदर से मैं कोई मामूली सी चीज़ ढूंढ कर लाता हूँ। जफर जी को मामूली चीज़ मिली? अभी नहीं पिंकी। तो जफर जी आ जाओ, मुझे मिल गई। मैंने आपका मामूली सा थैला लटका दिया। उस थैले में मेरी सोने की अंगूठी थी। टेलीफोन की कंप्लेंट। पिंकी, सुबह से अपना टेलीफोन खराब पड़ा, जाकर कहीं से इसकी टेलीफोन विभाग को कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवा देती? अच्छा दादाजी, आंटी के टेलीफोन से कंप्लेंट दर्ज करवा देती हूँ। आंटी, दर टेलीफोन की कंप्लेंट दर्ज करवानी है। हमारा फोन तो एक हफ्ते से खराब पड़ा है। कोई बात नहीं, मैं पब्लिक टेलीफोन बूथ से कंप्लेंट दर्ज करवा देती हूँ। वो लगता है यह भी खराब है। झपट जी के टेलीफोन से कंप्लेंट दर्ज करा देती हूँ। पिंकी, अपने टेलीफोन का कनेक्शन कटे एक मुद्दत हो गई है। अब इतनी दूर आ गई हूँ, टेलीफोन दफ्तर में जाकर ये कंप्लेंट लिखवा देती हूँ। टेलीफोन एक्सचेंज में पहुँच गई। टेलीफोनों की कंप्लेंट लिखने वाला कलर कहाँ गया है? उसका अपना टेलीफोन खराब हो गया है और वह सुपरवाइजर के पास कंप्लेंट लिखाने गया है। लेनदार देनदार। पिंकी, स्कूल जा रही हो? दरवाजा इधर है। दादाजी, वह आगे का दरवाजा है, मैं पीछे के दरवाजे से जाना चाहती हूँ। पीछे के दरवाजे से क्यों? हर रोज तो तुम आगे के दरवाजे से स्कूल को जाती हो? क्योंकि कल मैंने चंपू से 10 रुपये उधार लिए थे और कहा था कि मैं पैसे आज वापस कर दूंगी। चंपू अपना उधार वसूल करने आगे के दरवाजे पर खड़ा होगा और मेरे पास पैसे हैं नहीं। मैं चुपके से पीछे के दरवाजे से निकल जाती हूँ।
उसको पता भी नहीं चलेगा। चंपू तुम निकालो मेरे 10 पैसे। मुझे पता है कि उधार लेने के बाद हर कोई आगे के दरवाजे से नहीं पीछे के दरवाजे से निकलता है। मुसीबत कुट कुट रुको, इस गिलहरी ने मुझे परेशान कर रखा है। बिथी तुम क्या सोच रही हो, मैं देख रहा हूँ कि सूरज मेरी फुटबॉल से कितना छोटा है। हा, पिंकी तुम हंस रही हो, सूरज तुम्हारी बॉल से बड़ा है क्या? है सच है, मैं तुम्हें अभी समझाती हूँ, इसे इधर दो। अब बोलो सूरज बड़ा है या बोल फेंक दे। सूरज हमारी धरती से भी बड़ा है तो फिर यह छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि वह अरबों किलोमीटर से दूर है। बहुत सारे सितारे ऐसे हैं जो सूरज से भी दूर है, इसलिए वह दिखाई नहीं देते। मुंबई ज़्यादा दूर है सूरज सूरज गलत, मुंबई दूर है क्योंकि वह हमें दिखाई नहीं देती जबकि सूरज दिखाई देता है। कुट कुट कर चलो लड़के, तुम्हें घर नहीं मेरे साथ चलना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी रिहाई के बदले में मैं तुम्हारे पिता से एक अच्छी रकम वसूल करूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दूं तो यह छोरा देख रही हो, इसे सारे लोग डरते हैं। तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा, लेकिन लोग मेरे सिर्फ चेहरे से डरते हैं। खतरनाक कौन हुआ, तुम या मैं? ओह पिंकी, बाप रे, भागो, सचमुच वह जरूर कोई बड़ी मुसीबत होगी। भागो जबरदस्ती आप पिंकी को देकर क्यों भागे थे? उसका मैंने उधार देना है। टीवी चैनल, पिंकी कुट कुट नजर नहीं आ रही, वह बाहर खेलने गई है मम्मी। वो वह किसी के घर में घुसकर नुकसान न कर दे, ऐसा नहीं होगा मम्मी, कैसे नहीं होगा, जाओ उसे लेकर आओ। पता नहीं वह इस वक्त कहाँ होगी। शंभू तुमने मेरी गिलहरी को कहीं देखा है? वह उधर नाले में खेल रही है। कुट कुट, अच्छे लोग गंदे पानी में नहीं खेलते। चलो घर जाकर तुम्हें नहाना होगा, तभी तुम्हारा शरीर साफ होगा। वो कुट कुट गंदे पांव लेकर आई है। अरे यह तो सोफे पर चढ़ गई। हाँ, इसने सोफे को गंदा कर दिया, इसे बाहर ले जाओ। अजीब मुसीबत है, कुट कुट जब बाहर होती है तो कहती है उसे अंदर लाओ, अंदर होती है तो कहती है उसे बाहर ले जाओ। धीरे भागो, यह कहाँ चली गई? झपट अंकल, इस वक्त टीवी पर मनोरंजन कार्टून सीरियल का टाइम है, तो टीवी चलाइए, हम दोनों वह देखेंगे। अरे इस पर तो कुछ नहीं आया, दूसरा चैनल करके देखिए। अभी कुछ नहीं हुआ, फिर कोशिश करो, लगता टीवी खराब हो गया। यह कैसे हो गया? तुम्हारी गिलहरी ने टीवी की तार कुतर दी। पिंकी की उंगलियां, कुट कुट मुरब्बे के बंद बाद से निकलो। देखो तुम कितनी लथपथ हो गई हो, आस पड़ोस की सैर की जाए। तेज मत भागो रिम्बी, तुमने फर्श इतना चमकाया कि इसमें शक्ल देख लो। ओ गिलहरी ने गंदे पैरों से मेरा फर्श गंदा कर दिया, मैंने इसे पकड़ दिया, क्या फायदा? पिंकी से इसकी शिकायत करेंगे। ये पूंछ पर पैर रख दिया। क्या कुट कुट इधर आई है? अंदर जाकर देखो उसने फर्श कितना गंदा कर दिया है। वो उसके कीचड़ भरे जूतों से हमारा घर और भी गंदा हो गया। भागो यहाँ से, देखो तुम्हारे चश्मे का फ्रेम बदला हुआ नजर आ रहा है। हाँ पिंकी है, इम्पोर्टेड है। तुम देखते तो लेंस से हो, फिर कीमती फ्रेम की क्या जरूरत थी? वह चेहरे पर खूबसूरत लगता है, सुंदर लगने के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता। भिखू क्या बिना चश्मे के काम नहीं चल सकता? अगर मैं इसे न लगाऊं तो देखने में गलती हो जाएगी। क्या चश्मा लगाने से गलती नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा बताओ यह कितनी उंगलियां हैं? 5। गलत, यह 4 उंगलियां है और एक अंगूठा है। तो फिनिश हुई है कॉमिक्स। अच्छी सही कॉमेडी कॉमिक्स थी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी कॉमिक्स और लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली कॉमिक्स में।